नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाव शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुत्तम मंगलं वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्टार्थप्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं पुण्यकुंडाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं पुराणं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सासनम्। मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो प्रायात्म भय अरहंता शिव येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेन चापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ओम नमः। मोह के उदय में विकल्प तो होते हैं, मोह के उदय में विकल्प तो होते ही हैं। अज्ञानी विकल्पों की पूर्ति में लग जाता है, अपनी बुद्धि, अपना समय, अपनी शक्ति, अपने जितने निमित्त योग हैं वे सब विकल्पों की पूर्ति में लगा देता है। हे भगवान, ये हमारा काम हो गया है। भगवान सबको वही विकल्पों की पूर्ति के लिए साधन हुआ है। महाराज ऐसो आशीर्वाद जो ये काम हो जाए आपकी कृपा से। गुरुओं को भी विकल्पों की पूर्ति में शामिल करते हैं। तपस्या करता है तो विकल्प की पूर्ति के लिए, तपस्या के फल में भी विकल्प की पूर्ति चाहता है। अज्ञानी जीव जिसने इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख का स्वाद नहीं लिया, वह विकल्पों की पूर्ति में ही अपने उपयोग को, समय को, शक्ति को लगाता रहता है। आप अपनी भाषा में इच्छा की पूर्ति कह सकते हो, विकल्प की पूर्ति कहो या इच्छा की पूर्ति, एक ही बात। प्रथम उस विषय को जानना चाहता है, फिर उस पदार्थ को अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमाना चाहता है। पुण्य के उदय में जो अनिष्ट इस सामग्री लगती उसे रखना चाहता है, पाप के उदय में जो अनिष्ट सामग्री उसे दूर करना चाहता है। विकल्पों की पूर्ति में लग जाता है कौन? अज्ञानी जी। क्यों? उसने विकल्पों की पूर्ति में सुख माना है। अज्ञानी इस बात का विचार करता है, इस विकल्प का अभाव कैसे हो, इस विकल्प का अभाव कैसे। और जितने भी विकल्प होते हैं सुख के लिए होते हैं, उनका कहीं ना कहीं संबंध सुख से होगा। तो जब तक सुख नहीं होगा तब तक विकल्प का अभाव नहीं होगा, और सुख अपनी ओर देखने से होगा तो विकल्प के अभाव भी अपनी ओर देखने से होगा। सैद्धांतिक तर्क को भी विचार किया जाए तो पराशय से होने वाली विकल्पों का अभाव स्वाशय से ही होगा। विकल्प होते कैसे? तो पराशय इधर देखने से। अब तो इसकी पुताई हो जाए, इस पर कांच का काम करा दो, इस पर सीनरी बनवा दो, इस पर पढ़ाना लिख दो, इधर देखने से विकल्प होंगे। तुम्हें क्या लेना देना दो दिन रहने वाले
जाओ अपने काम करो, स्वाध्याय करो, पढ़ो लिखो, अपने ध्यान करो, तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे बनवाए का बन रहा है, सीनरी बन रही, जितका जो काम हो रहा हो कोई पता ही हो रही क्या हो रही, विकल्प का अभाव। और अगर बन भी जाए, मान लो बढ़िया कांच का काम हो गया, सीनरी बन गई, तुम्हें काम मिल जाए, ये राग का सुख है, ये तो राग का सुख है। ज्ञान का सुख तो कोई अलग है, स्वाधीन सुख तो कोई अलग ही है। पुण्य के उदय में होने वाली अनुकूलताओं में सुख मान लेना अलग बात है और सुखी होना अलग बात है। पुण्य का उदय भी अध्रुव है, क्षणभंगुर है, तो उसे उसमें मानने वाला सुख भी, इंद्रिय सुख भी क्षणभंगुर है, विनाशी। अज्ञानी ये सोचता है विकल्प की पूर्ति कैसे हो, ज्ञानी ये विचार करेगा विकल्प का अभाव कैसे। देखो आश्चर्य की बात है, कैसा दोहरा व्यवहार है। रोग हो तो रोग का अभाव चाहता है, राग हो तो राग की पूर्ति चाहता है। रोग हो जाए तो रोग का भार होता है, बुखार आज नहीं आया, मैंने रोग हो तो रोग का भार चाहता है और राग हो तो राग की पूर्ति चाहता है। राग को रोग माना ही नहीं, शरीर में एकत्व बुद्धि होने के कारण शरीर का रोग तो रोग लगता है और आत्मदृष्टि न होने के कारण वो रागादिक भाव रोग लगते ही नहीं। तो उन रागादिक भाव की पूर्ति चाहेगा, अब पूर्ति होना संभव नहीं है। और जब रागादिक भाव की पूर्ति होना संभव नहीं है तो फिर राग की पूर्ति कर करके सुखी होने की कल्पना भी मिथ्या हो गई। विकल्प का अभाव कैसे हो, यानी ये विचार क्या है। कम से कम यहां तक तो आ जाओ, तब यहां पर आ पाओगे वितरागी देव के पास, तब अपने स्वरूप के सन्मुख हो पाओगे। तो विकल्प का अभाव कैसे हो, इसका उपाय कैसे समझे, तो जिनके विकल्प का अभाव हुआ है उनको देखो, जिनके विकल्प का अभाव हुआ है उनके उनको देखो, उनसे भी बताएंगे विकल्प के दूर होने का उपाय। आप ही प्रभु, आप अनंत पदार्थों को एक युगपत प्रत्यक्ष जानते हो, आपको विकल्प नहीं होते कि नहीं होते, तुम्हें भी नहीं होते। यहां अपनापन नहीं होता, वहां विकल्प कहां होते। जहां कर्तत्व तो नहीं होता, वहां विकल्प कहां होते। दूसरे का प्लॉट ऐसे देखते हुए चले जाते हैं, विकल्प कहां होता है कि कब बन जाए। पड़ोसी का हो तो जरूर लगेगा, चलो वही बन जाए तो अपनी सेफ्टी हो जाएगी। लेकिन दूसरे का विकल्प जिससे कोई संबंध नहीं है, देखते हुए चले आ गए। दूसरे के बच्चे की पढ़ाई की कहां चिंता होती है, दूसरे के बच्चे की शादी की कहां चिंता होती है, व्यापार की कहां चिंता होती, नौकरी की कहां चिंता होती, बताओ कहां होता। अपनत्व नहीं छूटे तो त्याग, त्याग का बेस बना करके भी चिंता नहीं छूटती। बेस बदल गया है, दृष्टि तो नहीं बदली।
कितने घर ऐसे होंगे जहां चूल्हे नहीं जले होंगे, हमें क्या चिंता है। कितने घर ऐसे होंगे चूल्हे नहीं जले हो, हमें क्या मतलब, जले चमच चले। कितने घर ऐसे होंगे जहां मिठाइयां बन नहीं होंगी, हमें क्या लेने लगे मिठाई बने तो हमें कहा, चूल्हे नहीं जले तो हमें कहा। अरे हर्ष और विषाद दोनों दुख हैं, हर्ष और विषाद वही होता है जहां जुड़ान होता है, उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में जुड़ान होता है। दो इंच का पाइप कितना पानी फेंकेगा, वो छी सागर में डाल दो, दो इंच फेंकेगा, कहीं डाल दो उससे क्या फर्क पड़ेगा। वहां पानी नहीं होगा तो नहीं चलेगा, लेकिन कितना ही पानी हो, दो इंच का पाइप तो दो इंच का ही है, वो टोंटी में से निकलना तो होता नहीं है। तुम्हें याद है एक बार सुनाया था मुन्नाज की कमंडल की चर्चा, वित्त मंत्री एक महाराज जी के पास बैठे, अभी नहीं बहुत पुरानी बात है, महाराज जी भी अपने धुन में थे ध्यान में नहीं थे। बोले क्यों भाई, जानते हो विश्वकार साथ भूमंडल का अर्थ शास्त्र इस कमंडल में है। अरे भूमंडल का अर्थ शास्त्र इस कमंडल में है, कमंडल में भूमंडल का अर्थ शास्त्र के देखो। महाराज समझ में नहीं आई कि समझ में आएगी नहीं, देखो भरने का द्वार बड़ा है और निकलने का द्वार छोटा है, आमदनी ज्यादा हो खर्चा कम हो बस। भाई आमदनी ज्यादा हो और खर्चा कम हो, अभी मोही प्राणी बस आमदनी खर्चा पैसा में लगा देता है। हम कहते पैसा की जिससे आमदनी होती है उसकी आमदनी, पुण्य की आमदनी और पाप का खर्चा। आमदनी ज्यादा हो खर्चा कम हो, परिणाम चढ़ते रहे हो गई हमारी सफलता, परिणाम गिरते गए हो गई असफलता। बताया था पहले आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब कैसे लगाओ। ये सवेरे जो हम उठे उठकर, अब कोई तो मंगल गीत सुनते हुए, कभी लेट भी हो जाए तो ये बच्चे मंगल प्रभात करते, कदाचित दो मिनट लेट भी हो मंगल प्रभात मंगल प्रभात। तो कोई तो लोग पुण्यवान लोग जिन ध्वनि को सुनते सुनते आंख खुलती है उनकी, शुभारंभ मैंने बेदी जिनके दिन का प्रारंभ पंच परमेष्टि के स्मरण से होता है, जय जिनेन्द्र से होता है, जय जिनेन्द्र शब्दों वाली जय जिनेन्द्र नहीं, हमें मालूम नहीं। अभी आप लोग आपस में जय जिनेन्द्र कर रहे हो कि नहीं कर रहे हमें मालूम नहीं है, और कौन कर रहा है कौन कर नहीं कर रहा, अलग न्यारे बैठे हैं क्या, हम काय को करें जी, अलग होंगे हम अलग होंगे, अब पता नहीं कौन कर रहा हमें नहीं मालूम,
मन रहना तो तुम्हारा स्वभाव हो चुका एक तरह का धीरे धीरे, लेकिन ध्यान रखो स्वभाव नहीं है, विभाव ही है। ये घुटन है मन में, भेद ज्ञान पूर्वक जहां बोलने का भाव मिट जाता है, सहज मौन हो जाता है, मौन रहे मूर्छा जड़ बुद्ध, पाठ में पढ़ती मौन रहे मूर्छा जड़ बुद्ध, मौन में वह हितम साध्यम। बोध विकार है कौन सो, हम बैठी अपनी मौन सो कब रहे अघाय पाए सुख संपत्ति, रुचि न लागे मौन सो, हम बैठी अपनी मौन सो, उस मौन की बात अलग है। साधना का मौन अलग है, मौनम संस्कृत नीति में कितने अर्थ बताए मौन के मालूम है, मौनम मूर्ख से लक्षणम, मौनम विद्वान से लक्षणम, मौनम सम्मत लक्षणम, मौनम मौन अब कौन सा लक्षण है कौन सा मौन है ये आप अपना निर्णय करो। हमारा मतलब ये है कौन सा मौन हमारे जीवन में चल रहा है उसका निर्णय करो। मौनम मूर्खस्य लक्षणम, मौनम सम्मत लक्षणम, मौनम विद्वानस्य लक्षणम, कौन सा मौन है सोचो। एक मौन नियम साध जी ने लिखा, साध ये निज कार्य अविरल साध रत रहे मौन। क्या संसार की विचित्रता को देख करके, संसार में सुख नहीं है इसका निर्णय करके, जीव नाना कर्म नाना लब्ध नाना विद कही, अब जी सब एक से कैसे होंगे, सबका संख्या अलग अलग है, सबका क्षेत्रम अलग अलग है, सबके कर्मोदय पुण्य पाप के उदय अलग अलग है, शक्ति अलग अलग है, सब अलग अलग आकार हैं सबके अलग है, पढ़ते हो आकार हैं सबके अलग। हाँ बोलो आगे। हाँ कुछ दास आकार है सबके अलग, तुम का दिख रहे जग शकल कैसी है, ए जग शकल कैसी हो रही, ए जी कैसी शकल हो रही, मुफ्त में शकलें देख देख के हर्ष रहे हो, चर्म दृष्टि वाले मत बनो भाई, ज्ञान दृष्टि से देखना सीखो। आकार हैं सबके अलग, छह उपशम है सबके अलग, कोई दस बार पढ़े तो याद नहीं होता, किसी को एक बार के सुनने में याद हो जाता। शक्ति सबकी अलग अलग है, कोई उसको उठा करके ऐसे उठा ले और कोई एक लोटा नहीं उठे, शक्ति अलग है। शारीरिक शक्ति की बात है, उंगली हाथ ही नहीं उठे अपना, लोटा की बड़ी बात है हाथ ही नहीं उठे। ऐसी विचित्रता को देख करके साध ये निज कार्य अविरल साध रत रहे मौन में, ये साधो मौन होकर के अपना काम करो। तुम वो मौन अलग प्रकार के, ज्ञान के होने पर मौन हो जाए धन्य हो जाएगा, ज्ञान के बिना का मौन होगा घुटेगा। मुंडाज हाथ में ऐसे भोजन करते हैं, धर्मात्मा ये उनका मूल गुण है, और तुम खड़े खड़े लेकर खान लाओ तो दूर से बैठ के खा ली तसली खा ली,
वे नग्न रहते हैं, उनका मूल गुण है वासना रहित है। और आप नंगे फिरने लगो तो क्या होगा, अर्ध नग्न भी हो तो आलोचना होती है, आलोचना के पात्र होते हैं, और वे पूरे नग्न है तो भी कुछ नहीं, निर्विकार बालक बस निर्व है, तिनके चरण धोक हमारी पूज्य हो गए। अब समझ में नहीं आती कि नग्नता पूज्य है कि वासना रहित नग्नता पूज्य है, और वासना सहित की नग्नता निंदनीय है। खत्म हो गई बात की, वासना निंदनीय है। वासना जानते हो, जो बसने न दे, बसना किसे कहते हैं, जो बसने न दे, धर्मात्माओं के निकट न बसने दे, धर्मायतनों में न बसने दे, शुद्ध आत्मा में न बसने दे, उसको वासना कहती। वासना बसने नहीं देती, रहने नहीं देती, भगाती है। तुम यहां तो भगतो जा सके, ये तुम्हारी आंखें कहा दिख रहे, भगतो जे ही सभी रही है। और अपने कोई ऐसी शर्म लग रही है, भगवान मर गए अब क्या करें, न तो भगो सभी। वासना माने जो अपने में बसने नहीं देती, धर्मार्थनों में बसने नहीं देती, धर्मात्माओं के बीच में रहने नहीं देती, बसने नहीं देती, ये तुम्हें क्यों, कौन भगाता है बोलो? पाप वासना, परिग्रह की वासना, भोगों की वासना। अरे हम ये आपसे कह रहे हैं, देखो आप अब्रह्म उसको समझते, स्त्री की शरीर को देख करके राग करना, अरे इस शरीर को देख करके भी राग करना ये अब्रह्म है, अपने इस शरीर को देख करके, मेरा कितना सुंदर शरीर है। ब्रह्म माने आत्मा और अब्रह्म माने अनात्मा, तो ये शरीर भी अनात्मा है कि नहीं? अब इस शरीर को देख करके राग कर रहे हो, मैं कितना सुंदर हूं, मैं सुंदर कितना सुंदर गाता हूं, मैं कितना सुंदर दिखता हूं, अब्रह्म है, ब्रह्मचर्य का घात हो गया। ब्रह्म की सौंदर्य को, एकत्व के सौंदर्य को नहीं देखते हुए इस बाहर के सौंदर्य में तुम डीज रहे हो, रह नहीं पाओगे। ये हमारी इच्छाएं तो हमें रहने नहीं देती, कथाएं जिनको हम कथा कह देते, चलो भोजन अच्छा नहीं, बढ़िया मिर्च मचा लेगा चौमा खाएंगे, कौन भगा लेगा, चौका में बहाना झूठ कौन ने बुलवाया, भूख नहीं है, चल आ चौमा जा, चौकी में भूख नहीं है ये किसने कहलवाया, तुम्हारी भीतर की चटपटी खटपटी रसना इंद्री की आसक्ता ने, बाप वासना है। फल तो अभिप्राय में जो वासना है उसका लाग है, अभिप्राय में क्या बसा है, अभिप्राय खोटा है तुम्हारा। नहाने के लिए दूसरे कपड़े बनने के लिए चाहे कोई कपड़ा उतारता है, एक निर्विकारता से कपड़े उतारे वो उसका नाम अलग बात है। तो विचार ना, अब कौन सा मौन है ये आप कर लो, आप अपना खुद देखो, अगर विपरीत मौन है तो तोड़ने लाएगा का, इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर उपवास कर लिया है तो तुम्हें गलती है, भूल है, तोड़ दो। इच्छाओं के अभाव के लिए किया है तो धन्यवाद, आचार्य पूजपा स्वामी क्या कह रहे हैं, मुक्त रेकांत की तस्या यस्या चल चित्ते
यस्या चला धरती तस्य नैकांत की मुक्ति, यस्या तस् यस्या नास्य चला धरती, इसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। स्थिर प्रज्ञ कहते हैं जिसको, स्थिर बुद्धि कहते हैं। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, चंचल है, विषयों में विचरती है, व्यभिचारिणी बुद्धि है, गियों में भ्रमती है, गियों में बुद्धि भ्रमती है, विषयों में बुद्धि भ्रमती है, संयोगों में बुद्धि भ्रमती है, उनको मुक्ति नहीं होती, ये कह रहे। हमने इस श्लोक से ये कहा था कि देखो उस मुक्ति की बात भी मत लेना कभी, अभी तो दृष्टि मोक्ष पहले ले होता है ना। जब अपने में एकाग्र बुद्धि हो, स्वानुभव हो, तभी तो दर्शन मोह का भाव होगा, तभी तो अनंतान मनु सीखेगी। और ज्यो ज्यो विज्ञान घन होता जाएगा, एकाग्र होता जाएगा, घनीभूत, त्यों त्यों ये विकल्प टूटते जाएंगे, राग मिटता जाएगा। स्थिर बुद्धि बहुत स्थिर पानी, उसमें प्रतिबिंब दिखेगा। और कर्तृत्व का भूत तो भैया ऐसा होता है, क्या करें, एक अपना नसीब है। पैसा का भी नशा होता है, कर्तृत्व का भी नशा होता है, शराब का ही नशा नहीं है, कर्तृत्व का भी नशा है। ऐसा कोई काम है जो नहीं कर सके आदमी? हम पूछे ऐसा कोई काम है जो आदमी कर सके? रात का समय था, चांदनी रात थी, चंद्रमा ऊपर खिला था, आकाश मंडल नक्षत्र और चंद्रमा से शोभायमान हो रहा था, साहित्य की भाषा में कहें। एक व्यक्ति नशे में आया और उसने उस सरोवर में देखा तो पूरा वो आकाश का प्रतिबिंब सरोवर में दिखा। उसने कहा मर गए, नहीं कुएं में गया। उसको प्रतिबिंब दिखा, उन्हें अरे चंद्रमा तो कुएं में गिर गया, चंद्रमा तो कुएं में गिर गया, अब क्या करें। तो जल्दी से वे अपने लाए कांटा वांटा और रस्सी और बाल्टी और वो कहे चंद्रमा को निकालने के लिए, चंद्रमा को निकालने के लिए रस्सी बाल्टी अपनी लाए और पटक दी उसमें कुएं में। अब वो हल गया, जन कहां घुस रहो, ये दिखाऊ नहीं रहो, निकलना तो बहुत घुस रहे। तो उनका वो कांटा या बाल्टी जो थी ना, वो किसी नीचे पत्थर से टकरा गई, उसे कहीं से वो छिड़ो तो अब आओ पकड़ में आ गया, बिल्कुल आ गया, नशा में तो थे ही, अब आओ पकड़ में, ऐंचो तो टकाई टाकर निकला आ रहा। और जैसे ही वो निकला, वो ताकत लगाई तो रस्सी टूट गई उसमें से और धम उसमें गिरा, और जब अपन पीछे ऐसे गिरे तो ऊपर ऐसे मुंह हो गया, उन्हें हाँ देखो निकालो, देखो निकाल दिया हमने चंद्रमा, बड़ी मेहनत करने पड़ी, पसीना आ गया, ठंड में पसीना आ गया। अब ऐसे हो गया ऊपर, उनको देख गया। कर्तृत्व का भी नशा बड़ा बुरा होता है, न जातु कर्त कर्त कर्मस्य सविकल्पस्य न सकी, क्या अर्थ है,
विकल्प के परम कर्ता, विकल्प है कर्म केवलम, न जातु कर्त कर्म से विकल्प से न सविकल्प से न सत्य। सविकल्प जीव के कर्ता कर्म की मिथ्या भ्रांति नहीं टूटती। तो अब हम इधर से कहेंगे कर्ता कर्म की भ्रांति मिटे बिना विकल्प नहीं मिटते, ये कहेंगे कि पहले कौन मिटेगा, के पहले और पीछे की बात नहीं, युगपत हो निर्विकल्प दशा में ही आत्मानुभूति हुई, उसी समय कर्ता कर्म की भ्रांति मिटी और भी अनर्गल विकल्प भी मिट गए। और अज्ञानी की तो ये दशा देखो, हमने कर लिया, हमारी चल गई, देखो आने पर हमारे पास ही बड़े बंत थे, करने वाले वही काम वही करने लौट फिर क्या, कर्तत्व के अहंकार भी बड़े विकल्प होते, अनेक विकल्पों को मिथ्या विकल्पों को जन्म देता कर्तत्व का अहंकार। एक बीमारी तुमने पढ़ी होगी, मेडिकल में नहीं है वो बीमारी यहां है, हमने सोची थी। तुम ये क्यों नहीं सोचते परमाणु मात्र मेरा नहीं है, हमने सोची एक दुकान है एक और बना ले तो ठीक रहे, एक कमरा है एक कमरा और बना ले, हमने सोची एक कमीज है एक कमीज और सिलवा ले, तो हम ये सोची, हमने सोची। तुम अपनी अपनी सोचते रहोगे, अपनी अपनी ढूंढते रहोगे, हमने सोची अपने मन से पूछो आत्मा के गुरु आत्मा ही है, स्वयं के गुरु स्वयं बनो, तुमने जिनागम में लिखी सो सोची के विपरीत सोची, अज्ञानी विकल्प होते हैं तो विकल्पों की पूर्ति में जुट जाता है और बर्बाद हो जाता है, जिंदगी पूरी होती है विकल्प पूरे नहीं होते, जिंदगी पूरी होती है जीवन पूरा हो जाता है विकल्प पूरे नहीं हो पाते। क्योंकि अज्ञान मिटे तो विकल्प मिटे, अज्ञान मिटाने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए विकल्प कैसे मिटेंगे, सुखी हो गए तो विकल्प मिटे, अब सुखी वो होता नहीं तो विकल्प कैसे मिटेंगे, करते हो रेगिस्तान के मृग की तरह दौड़ता रहता है, हांफता हांफता मर जाता है, न पानी मिलता है न जीवन रहता है, न सुख मिलता है और न इस जीव को शांति मिलती, कुछ नहीं होता, ऐसे ही चलती है, आकुलता भी बढ़ती आती है और विकल्प भी बढ़ते आते हैं। ज्ञानी को विकल्प हो तो ज्ञानी जानता है ये विकल्प अकिंचित कर है, इन विकल्पों से सुख कहां होगा, इन विकल्पों में के शोरगुल में तो कुलह दिखाए अमृतचंद स्वामी विरम किम परिणा कार्य कुलाहले, क्या विरम किम परिणा कार्य कुलाहले, अकार्य कुलाहल माने जिससे अपने कार्य की सिद्धि नहीं होनी है, जिससे सुखी नहीं होने हैं, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे उदय के अनुसार तुम्हारे भवितव्य के अनुसार बनेगा कि हमारे विकल्प बन जाए, अरे सुपुत्र भले सोचे कि पिताजी को खूब आराम दें लेकिन आराम उनके लिए कष्टदायी हो जाएगा, 20 वर्ष पहले की घटना लगभग होगी, थोड़े कम ज्यादा होंगे,
एक लड़के ने डॉक्टर से कहा, अपने पिताजी की शिकायत करते हुए एक तरह की, डॉक्टर साहब देखो जी मानते नहीं, अभी भी कुछ ना कुछ करते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते, आदत पड़ गई। हम कहते हैं अब हम कतर आए, कमाने वाले हम हो गए, आपने हमें इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब आप आराम से रहो। डॉक्टर बोला देखो इनको करने दो, लौकिक डॉक्टर की बात है, इनको करने दो, अगर ये खटिया पकड़े तो फिर उठ नहीं पाएंगे, इनको घूमने फिरने दो, करने दो। अकर्ता रहने में अनंत पुरुषार्थ है, अकर्ता रहने में अनंत पुरुषार्थ, फिर होने में अनंत पुरुषार्थ। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते भाई जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, और बता सुना स्थिर बुद्धि का, मेरी मति व्यवस्थित हो गई, भगवंतों को नमस्कार है, मेरी मति व्यवस्थित हो गई, स्थिर हो गई, जम गई ये बात कि सुखी होने का यही मार्ग है, जितने तीर्थंकर सामान्य केवली उपसर्ग केवली मुख केवली जितने भी हुए हों, वे इसी मार्ग से सुखी हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, मेरी मति व्यवस्थित है, अब भटकने की जरूरत हमें नहीं आई, स्थिर बुद्धि। जैसे समुद्र में बीच में जहाज पर बैठा हुआ पक्षी, उसको लगता है जब कहीं शरण नहीं है, निश्चय हो जाता है, तब उसकी फिरता आ जाती है, अब कहाँ जाओगे, चुपचाप बैठे हो। ये सारा संसार समुद्र के समान है, और तू समुद्र के बीच में ऐसे बैठा है, भटकना व्यर्थ है, भटकना व्यर्थ है, सुखी होना संभव नहीं है पराश्रय से। पर को अपना मान मान करके, पराश्रय माने पर को अपना मान मान करके अनंत दुख सहे हैं, और पर को ही मान करके अपना मान करके सुखी होना चाहता है, कल हम चलते चलते एक शब्द बोले थे आपसे, अनुकूल शत्रु, जो इच्छाओं की पूर्ति में बाधक हैं वे तुम्हें शत्रु जैसे लगते हैं, लेकिन याद रखो इच्छाओं की पूर्ति में जो साधक हैं, बिना विवेक की इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं, वे आपके अनुकूल शत्रु। माता पिता भाई बंध कुटुंब परिवार जिन्हें अपना कहते हो भी अनुकूल शत्रु, हंस करके तुम्हें बंधन में डाल देते हैं, हंस करके तुम्हें ये नाना प्रकार के कपड़े राग रंग में फंसा लेते, और तुम्हारा मोह का संस्कार है ही अनाधिकार का, तो बस विनिमित होते मात्र, उनका दोष नहीं है, लेकिन अनुकूल शत्रु, इसे ही अनुकूल शत्रु व्यर्थ कम कर रही है, भोगों में फंसा रही है। पंडित सदा सुखदास जी ने लिखा, ये कलिकाल के मित्र भी विषयन में उलझाने वाले, क्या लिखा है, कलिकाल के पंचम काल के मित्र भी विषयों में उलझाने वाले, परिग्रह में फंसाने वाले, दुर्गति में ले जाने वाले हैं, सावधान रहना,
रुचि पूर्वक तो इनका संग मत करना, इनको मित्र नहीं मानना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इनकी संगति मत करना। अगर जबरन कुसंग पड़े तो सावधान है ना, ये धर्मशास्त्र की बातें हैं। लौकिक में क्या लिखा, खुशी मनावत लोग सब हो तुम्हारो ब्याह, तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पा। अनुकूल शत्रु तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पा, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले और अनर्गल इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, विकल्पों की पूर्ति करने वाले तो महाशत्रु। तुम्हारी रुचि उधर है शरीर, और शरीर की वो याद दिलाएंगे, शरीर की सलाह देंगे, संयोग की सलाह देंगे, व्यापार की सलाह देंगे, परिग्रह के विस्तार की सलाह देंगे, विवाह शादियों की सलाह देंगे, भोगों की सलाह देंगे, बस और क्या करें। अनुकूल शत्रु हैं वे। अनुकूल शत्रु शब्द का अर्थ क्या हुआ, अनुकूल जैसे लगते हैं हैं शत्रु। एक पहले दृष्टांत दिया था, एक लड़की कहीं जा रही थी बेचारी, लड़कों ने देखा दो लड़के आ गए, है किधर जाती, चल मेरे साथ, चल ऐसा कर, तब तक दो और आ गए, है भगो यहां, क्या करती हो, शर्म नहीं आती तुमको, फलाना नहीं होता, डांट फटकार फिर माँ से भरा दिया और बोला बहन जी समय बहुत खराब है, अकेले मत जाया करो। उसने सोचा अरे ये तो हमारी रक्षा को गई, और बैठो गाड़ी, हम आपको आपके घर छोड़ दें, और बैठ के बैठा करके लिवा गए, और जाकर के वहीं बेरो चारों के चार इकट्ठे। अनुकूल शत्रु का अर्थ यह होता है कि अनुकूल जैसे लगते हैं, अनुकूल है नहीं, शत्रु पने का उलझाने वाले हैं, फंसाने वाले हैं, दुख में सहायक हो रहे हैं। अरे मित्र तो इनको देखो, ये वितरागियों को, साधरियों को मित्र देखो, वितरागियों को मित्र देखो, कैसे जो तुम्हारी राग को छोड़ने में निमित्त है। राग की पूर्ति में निमित्त वे कहे, तो जिनकी स्थिर बुद्धि है, व्यवस्थित बुद्धि है, सम्यक बुद्धि है, दृढ़ बुद्धि है, वे विकल्पों से पार हो गए थे। और जिनकी स्थिर बुद्धि नहीं है, जाने देह और आत्मा एक है के अलग अलग हैं, आत्मा मिलेगो कि नहीं मिलेगो कौन ने देखो, ऐसो न वो जीव चलो या वो न मिले, फिर कहा होगो, फिर कहा होगो, फिर कहा होगो, विकल्पों की दुनिया में वो विकल्प एक तरह का टेंशन का रूप आज की भाषा में लेगा। पुरानी भाषा में कहें तो किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती, किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती हैं वे दुर्विकल्प। इसलिए अमृतचंद स्वामी कहते हैं विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन, यह कौन प्रसंग में ये छंद लिखा है, जीव जीव अधिकार में,
कोई मूल, कोई शरीर, कोई आत्मा मानता है, कोई कर्म कोई जानता है, अनेक प्रकार से पर को आत्मा मानता है। दुर्बुद्ध यो ही और बहुविध आत्मा पर को कहें, व्यम किम परिणाम कार को लागे, का फायदा जिन माता पच्ची कर गई। ये लिखाए थे मैंने, वो छंद वहां जोड़ा मैंने, जितने भी शरीर आश्रित विकल्प हो रहे हैं देहाश्रित, इनसे क्या मतलब निकलेगा, पर्याय आश्रित विकल्प हो रहे हैं। आत्मा तो पूर्ण है, ज्ञानमय है, आनंदमय है, उसमें विकल्प के लिए अवकाश ही नहीं। और स्वभाव दृष्टि से देखो तो सारी विश्व में कहीं विकल्प के लिए अवकाश, जैसे कार्य के संबंध में कहा था, जो होने योग्य है वह बिना विकल्प के ही होता है, न होने वाला कार्य विकल्प से भी नहीं होता, तुम्हारी विकल्प तो अकिंचित कर हो गए। पर द्रव्य अपना कभी नहीं होता, अपना द्रव्य पराया कभी नहीं होता, पर ही रहता है, स्व स्व ही रहता है, समझो और अपना कल्याण करो। अब विकल्प करने से क्या लाभ होगा, पर को अपना मानते लेने से क्या लाभ होगा, पर का कर्ता मानने से क्या लाभ होगा। तो आचार्य देव कहते भैया, जिसकी स्थिर बुद्धि है, अचल बुद्धि, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं, उन्हें विकल्पों से मुक्ति मिल जाती है। मेरे बिना भी ये सारे कार्य चलते ही रहेंगे जो चलने योग्य हैं, ऐसा जीव विरक्त हो सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। हमारी बात कहा हुई हो, ये छोटे छोटे बच्चन को कहा हुई हो, हमारे ये बूढ़े माता पिता का क्या होगा, विचार करो। उस दिन बताई थी, अगर माँ की रात की बात सुनते तो तीर्थंकर भी दीक्षा नहीं ले पाते। रात की और राजियों की बातें सुनते तो तीर्थंकर भी विरक्त नहीं हो सकते। इसलिए हमने ये लिखा है, मोइयों की भाषा भी बकवास व्यर्थ की, सुनने लायक नहीं, राग द्वेष करतार कथा कबो न सुने, हमारो का हो। हम तुम्हारे लिए थोड़ी कुछ करने बैठे हैं, हमें तुम्हारा कुछ करने की शक्ति भी नहीं है, तुम्हारा क्या होगा। अगर तुम पूछते हो तो हम भविष्य बता दें, तुम अपनी ओर देखोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा है? इस शास्त्र के अभ्यास में प्रवर्तोगे तुम्हारा कल्याण होगा, स्वानुभव में लगोगे तुम्हारा कल्याण होगा, विरक्त होकर अपने आत्म स्वभाव को ध्यानोगे तुम्हारा कल्याण होगा, और राग रंग में फंसे रहोगे तो हम क्या बताएं क्या हो। हम वो शब्द भी नहीं बोल सकते, हम क्या बताएं क्या हो, तो हमारा क्या हो। अब हमारे लिए कोई आज्ञा, तुम कोई अलग होगा, तुम स्पेशल क्यों बन गए, हमारे लिए कोई आज्ञा, ये आज्ञा तुम्हें सुनाई नहीं देती। अपने को आत्मा ही देखना, स्वप्न में भी शरीर रूप नहीं देखना, स्वप्न में भी कर्तापने का भाव मत लाना, नहीं कर पाओगे। नारायण और बलभद्र जैसे योद्धा अपने माता पिता को नहीं बचा सके तो नहीं बचा सकते। द्वारका नगरी को न बचा सके तो नहीं बचा सके, तुम क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। परिणाम का फल है। बेटा जरा पानी पिलाना दो चम्मच, पानी ऐसे निकल जाएगा, पानी भीतर नहीं घुस पाएगा। अब क्या करे पिलाने वाला, पानी नहीं दे सकता कोई, एक गिलास कोई पानी नहीं दे सकता। कहाँ नहीं दे सकता, तुमने पानी दिया होगा तो तुम्हें मिलेगा, जो रोटी नहीं खिला सकती कहाँ नहीं खिला सकती। तुमने रोटी खिलाई होगी किसी को भूखे को, पात्र दान किया होगा भक्ति से, तो ही तुम्हें रोटी मिलेगी।
नसीट बने रहो, जहां से कछु नहीं होने, राजा बने रहो, महाराजा बने रहो, चक्रवर्ती बने रहो, इससे कोई मतलब नहीं। एक घूंट पानी के लिए तरस गई, पानी नहीं मिला। बलभद्र बोले, भैया तब तक तुम पंच नमस्कार मंत्र की स्मरण से अपनी प्यास बुझाना, हम जाते हैं ढूंढ करके पानी ला कर। और पानी नहीं ला पाए, प्राण निकल गए। वो सूली पर लटका हुआ दृढ़सूर चोर है, उधर से धर्मात्मा से पूजा करके निकले। बोले, सेठ जी आप बड़े धर्मात्मा हो, कंठ प्राण अटके हैं, पानी पिला दो थोड़ा। सेठ को दया आ गई, दया आ गई, सो पानी लेने के लिए चले गए। बोले, एक काम करना भैया, मैं पानी लाऊं तब तक तू ब्रह्मकार मंत्र पढ़ना। वो ब्रह्मकार मंत्र पढ़ने लगी और वो चोर पढ़ने लगा और उसके परिणाम सुधर गए। सेठ जी पानी लाए तब तक तो उसके प्राण निकल गए और स्वर्ग में जीव हो गया। इधर सेठ जी अब प्राण निकल गए, अब कौन को पानी पिलाए? धर्मात्मा सेठ पानी नहीं बुला सकता, क्या नहीं बुला सकता? बताओ कहां पानी पिला पाए? दो दृष्टांत हमने दे दिया आपको, पानी कहां पिला पाए? इधर चुगली गाती राजा से, सेठ जन का बात कर रहा हूं तो कान में कान लगाए थे, बोलो मुकार में सुना रहा था। ऐसा लगता है चोर से कछु साठगांठ रखी, चोरी का धन इसके घर में होगा। राजा ने सिपाही भेज दिए, उधर वो जो स्वर्ग में देव हुआ उसको अवधि ज्ञान जग गया। हो मेरा उपकारी सेठ, जिसके वचनों से मैं यहाँ आ गया और मेरे कारण से आपत्ति आ रही है, आकर के बूढ़ा रूप बना करके बैठ गया दरवाजे पर, घुसने नहीं देता किसी को। ए हट रहा है कि नहीं? हटा लो भाई, तुम हटा पाओ, हटा पाए तब तक दूसरा बैठ जाए, बिक्रिया है वो तो कैसे हटे? अच्छे सिपाही की मार के भगा दिए, सेना भेज दी, सेना को मार के भगा दिया। राजा स्वयं आया, उसने कहा, देखा तमाशा, उन्हें ये क्या हुआ, या फिर आदमी का कर रहा हूं? ए सुनो, सेठ की शरण में जाओ तो छोड़ेंगे नहीं, तुम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, ये धर्मात्मा है। धर्मात्माओं के सहायक धर्मात्मा होते हैं और धर्मात्मा धर्मात्माओं के सहायक ही होते, बाधक नहीं होते। अगर आपको धर्मात्माओं की सहाय करने का भाव नहीं है, क्षमता में सहायक, धर्म में सहायक, ध्यान रखना, तो आप धर्मात्मा नहीं हो सकते। स्थिर बुद्धि यही मार्ग। तुम शासन से अमेय जी, शिव गए जाही गए जा रहे हैं जाएंगे, यही मान। ये पूरब शिव गए जाए और आगे जाएंगे, तो सब महिमा ज्ञान तनी मुन्ना कहे स्थिर बोधी। तीरथ तीरथ क्या फिरे, तीरथ तो घटमा, फिर भय सो तिर गए अथिर तेरे कहूंगा। जिनका चित्त अस्थिर है वे कहां तिरेंगे, और जिनका चित्त जहां स्थिर होगा वहीं तर गए, चाहे वो शिखर जी पर हो, चाहे गिरनार पर हो, चाहे चंपापुर में हो, चाहे पावापुर में हो। फिर भय सो तिर गए अथिर तेरे कहूंगा। सब जगह सोना पीला होता है, सब काल में सोना पीला होता है, कोयला काला होता है, होता है, बस होता है, अब क्या करें। वस्तु व्यवस्था को समझने से, वस्तु का स्वभाव समझने से बुद्धि स्थिर होती है, निर्मल होती है, सम्यक होती है,
और नहीं तो विकल्पों में घूमती रहती है। आगे का श्लोक कौन पढ़े? आगे का कौन पढ़े? अभी यही तो पढ़ लो। सोच रहे थे आगे का पढ़े, अब आगे का कौन पढ़े? मुक्ति उस एकांत रूप, एकांत माने नियम रूप, नियम से उसकी मुक्ति होती है जिसकी स्थिर बुद्धि है, व्यवस्थित बुद्धि है। वो विकल्पों की अभाव करने में समर्थ होता है। और जिसकी बुद्धि चंचल है, विकल्पों का अभाव क्या कर पाएगा? बेचारा विकल्प ही करता रहता है, विकल्पों की पूर्ति में ही उलझा रहता है। कहीं सुख की आशा में उलझता है, कहीं सुख मान करके उलझता है। क्या? कहीं तो सुख की आशा में उलझता है और कहीं सुख मान करके उलझता है। सुख की आशा में भटकता है और सुख मान करके अटकता है। जिनवाणी के अभ्यास से, तत्व के निर्णय से अपनी बुद्धि को स्थिर करो। देर लगे तो ये मत सोचना कि कोई और मार्ग होगा, तुम गलत तो नहीं। हम इतने दिन हो गए हमको रिद्धि प्रकट नहीं हुई, इतने दिन हो गए अब हमारी मुक्ति नहीं हुई। कोई विकल्प नाम की चीज नहीं, 1000 वर्ष बैठे। अरे मुक्ति में कहा आत्मा के आनंद को भेजेंगे, यहाँ आनंद के आनंद। कितनी आकुलता होती है जब गाड़ी ले रही होती है, अरे बैठ के वहां जाकर जल्दी पहुंच कर क्या कर लोगे, यहां बैठ के करो वही। और कोई उपाय नहीं, और थोड़ी आकुलित होते हैं, अधीर होते हैं, कोसते हैं, गालियां देते हैं, जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहते हैं। स्थिर बुद्धि से ही मुक्ति मार्ग की सिद्धि होती है। विचारना सहजानंदी शोध करूंगी अविनाशी मैं आत्मा करूं, सहजानंदी शोध करूंगी अविनाशी मैं सहजानंदी शोध करूं आशी में आत्मा करूं। महिमा है।
कल रक्षाबंधन का पवित्र दिवस है। शास्त्रों मुनि राजों की